से ही मेथी का इस्तेमाल शरीर की विभिन्न समस्याओं को दूर करने में किया जाता है। आयुर्वेद में मेथी का बहुत ज़्यादा महत्व है। मेथी में फॉलिक एसिड, विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। मेथी में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारे शरीर और हमारे बालों, हमारी त्वचा के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में फायदेमंद होते हैं। मेथी न सिर्फ हमारे बालों की समस्या से छुटकारा दिलाती है, बल्कि मेथी हमारी बढ़ती उम्र के लक्षणों को भी दूर करने में प्रभावी होती है। आइए जानते हैं हम त्वचा और बालों के लिए मेथी के फायदे। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मेथी से हम अपने बालों और हमारी त्वचा को किस प्रकार से स्वस्थ बना सकते हैं। यदि फ्रेंड्स आप डार्क सर्कल की समस्या से परेशान हैं, आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं, या फिर आप अपने बालों की समस्या से परेशान हैं, आपके बाल बहुत ज़्यादा मात्रा में झड़ रहे हैं, आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो पा रही है, तो फ्रेंड्स आप मेथी से इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। मेथी हमारे लिए एक बहुत अच्छे एक्सफोलिएटर का काम भी करती है। यदि फ्रेंड्स आपको डार्क सर्कल की समस्या है, तो मेथी में विटामिन सी और विटामिन के भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हमारी डार्क सर्कल की समस्याओं से दूर करने में हमारी मदद करता है। फ्रेंड्स, इसके लिए आपको रात को 2 चम्मच मेथी दाने को भिगो देना है और सुबह इसे पीसकर इसका एक पेस्ट तैयार करना है। इस पेस्ट में आप 1 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर अपने आँखों के आसपास लगाएंगे इस, और इसे 20 से 25 मिनट के लिए अपने आँखों के आसपास ऐसे ही लगा रहने दें। 20 से 25 मिनट के बाद में आप इसे गुनगुने पानी की मदद से साफ कर लें। कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि आप अपने डार्क सर्कल की समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। यदि आप मुहासों की समस्या से परेशान हैं, तो मेथी के बीज आपको इन समस्याओं से भी छुटकारा दिलाने में सहायता करते हैं। मेथी में एंटी इन्फ्लामेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, जो हमारी त्वचा को अच्छे से मॉइस्चराइज करती है और हमारी त्वचा से ड्राइनेस को दूर करने में हमारी मदद करती है। मुहासों की समस्या को दूर करने के लिए आपको मुट्ठी भर मेथी दाने को आप पानी डालकर उबाल लीजिए और इसे ठंडा कर आप टोनर के रूप में इसे इस्तेमाल कीजिए। इससे आपका आपकी त्वचा मॉइस्चराइज हो जाएगी और आपका जो एक्सेस ऑयल होता है वो भी रिमूव हो जाएगा, जिससे आपकी मुहासों की समस्या भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। यदि आप मेथी का टोनर बनाना चाहते हैं, तो इसके लिए आप जो मेथी दाने को भिगोने में उपयोग करते हैं पानी का, उस पानी को आप एक स्प्रे बॉटल में स्टोर करके कम से कम 1 सप्ताह के लिए रख सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत अच्छे टोनर का काम करता है। मेथी के बीज आपको एक्सफोलिएटर के लिए भी बहुत अच्छे होते हैं। बाज़ार में मिलने वाले एक्सफोलिएटर में पेट्रोलियम से बने माइक्रोप्लास्टिक बिट्स होते हैं। इसके स्थान पर आप मेथी के बीजों से बने एक्सफोलिएटर का उपयोग भी कर सकते हैं। मेथी के बीज बालों के झड़ने की समस्याओं को भी रोकता है। क्या आप आपके बालों के झड़ने की समस्या से परेशान हो चुके हैं? आप महंगे महंगे प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप परेशान हो चुके हैं? तो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एक ऐसा टिप्स बताऊंगी जिससे आप अपने बालों के झड़ने की समस्याओं को तुरंत ही रोक सकते हैं। इसके लिए फ्रेंड्स, आप 1 मुट्ठी मेथी दाने को रात में भिगो दें। सुबह इसका पेस्ट बनाकर आप इसमें विटामिन ई का कैप्सूल और कुछ बूंदे नींबू की मिलाएं और इसे आप अपने हेयर पर हेयर मास्क की तरह अप्लाई करें। इस हेयर मास्क को आप अपने हेयर पर 20 से 25 मिनट के लिए लगा रहने दें। उसके बाद में आप नॉर्मल वाटर की मदद से इसे साफ कर लें। आपके बालों की जड़ों को मजबूत करता है और आपके झड़ते बालों की समस्या को दूर करता है। यदि आपके बालों में डैंड्रफ की समस्या है, तो वो भी इस पेस्ट के लगाने से आपकी डैंड्रफ की समस्या भी दूर हो जाएगी। यदि आपके स्कैल्प में इचिंग की समस्या है, तो आप इस हेयर मास्क का उपयोग करके उस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। मेरी सेकेंड है जो आप बालों के झड़ने की समस्याओं को रोकने में मदद करती है। इसमें आपको नारियल के तेल में कुछ बूंद इसमें आपको नारियल के तेल में कुछ मेथी के दाने डालकर 10 दिनों के लिए आपको उस तेल को ऐसे ही छोड़ दें। उसके बाद में 10 दिनों के बाद में आपको उस तेल को छानकर आप एक कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। उस तेल को आप और रेगुलर यूज़ करेंगे, तो आपके झड़ते बालों की समस्या दूर होगी।
यदि आप अपने बालों को चमकदार बनाना चाहते हैं तो इसके लिए आप 4 से 5 चम्मच मेथी दाने का पाउडर लेकर उसमें 1/2 कप दही मिक्स कर अपने पूरे बालों पर अप्लाई करें और इसे 20 से 25 मिनट के लिए अपने बालों पर ऐसा ही लगा रहने दें। आपके बालों में शाइनिंग आ जाएगी। यदि फ्रेंड्स आपके बालों की ग्रोथ अच्छी नहीं होती है तो इसलिए आप मेथी के पेस्ट में नारियल का तेल और एलोवेरा जेल मिलाकर अपने बालों पर हेयर पैक की तरह अप्लाई कर सकते हैं और 10 से 15 मिनट के बाद में इसे आप माइल्ड शैम्पू की मदद से साफ कर सकते हैं। आपके बालों की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। यदि आप आपकी त्वचा को मॉइस्चराइज करना चाहते हैं तो इसके लिए आप 2 चम्मच दही में 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर और 1/2 चम्मच शहद मिला के इस पेस्ट को आप अपने फेस पर 15 से 20 मिनट के लिए लगा रहने दें और उसके बाद में आप इसे नॉर्मल वाटर की मदद से साफ कर लें। मेथी का पाउडर आपकी त्वचा को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज करता है और आपकी त्वचा से एक्सेस ऑयल को रिमूव करता है, आपकी स्किन को ग्लोइंग करता है और आपके बालों की जड़ों को मजबूत करने में आपकी मदद करता है। सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इसके पास में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।